लेडीज लोग प्रैक्टिस कर लिए कि आप दशाश्वमेध बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज अप देवी और सज्जनों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और अभी हमें बनारस में, बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और हमारे सामने ही थोड़ी दूरी पर एस्सी घाट। और ये देखो कौन है हमारे साथ, जिया धड़क धड़क रोशनी करे भड़क भड़क। इस ब्लॉग में थोड़ी इन्फॉर्मेशंस भी देने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि हर बार बस, तो इस बार थोड़ा ज्ञान भी दिया जाएगा और सारी बातें भी बताई जाएगी बनारस में और बनारस के बारे में। तो अभी तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं ये ब्लॉग। नई नई ब्लॉगर है आज, ताज़ा ताज़ा निकली है ये ब्लॉगर। मैं हूँ इस ब्लॉग का हीरो। और अस्सी घाट यहाँ से बहुत पास में ही है। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, कितने बजे, 2:35 पे हम आए थे और बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे गेस्ट हाउस ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे शायद सीज़न वाला टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे रेट जो है ना वो 500 से स्टार्ट होता है और अभी सीज़न है तो 1000 से स्टार्ट है। 1000 से 2000 के बीच में एक अच्छा डिसेंट होटल रूम या गेस्ट हाउस मिल जाएगा आपको। ये है लिविंग रूम हमारे गेस्ट हाउस का, ये वाला हमारा घर जहाँ पे हम रुके हैं। और यहाँ पे अभी मैंने एक एड शूट किया है इंस्टाग्राम के लिए, फैला दिया शूट करते ही सब कुछ। इतनी गर्मी में जूता पहनना पड़ता है ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आई डोंट लाइक यू। बनारस में आने के लिए आपको ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्लाइट से भी आ सकते हो पर ट्रेन सबसे सस्ता है और सबसे फास्ट है। फास्ट मतलब अपन जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, अब जिसके पास अंधा पैसा वो तो प्लेन से ही आएगा ना। और ये पीछे देखो खूबसूरत सी पेंटिंग है दीवार पे। तो मैं पहुंचा था सुबह में यहाँ पे श्रमजीवी एक्सप्रेस से 2:35 पे और जी और रोशनी मेरे से पहले पहुंच गए थे। तो होटल रूम जो हमने जिससे बात कर रखी थी उसने फिर कुछ बहाने वगैरह कर दिए कि भाई ये बात है, हम होटल रूम नहीं देंगे, क्योंकि उसको महंगे में कोई मिल गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जान पहचान वाला था। तो यार जान पहचान वाला तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, खैर वो छोड़ो। फिर वहाँ पर सुबह सुबह हम ढूंढने निकले होटल रूम और फिर जाके ये गेस्ट हाउस मिला। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट पे और सबसे पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। श्री से हाई टू माय व्लॉग। मुझे शर्म आ रही है। ये है जी, हाय बोल। रोशनी। ये है जिया, तो हाय टू माय व्लॉग। और ये है आशी, तो हाय टू माय व्लॉग। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए? रास्ता बंद है, दशाश्वमेध घाट का रास्ता बंद है। तो जो दूसरा कह रहा था ना घुमा के ले जाएगा, वैसा ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो चलते हैं दशाश्वमेध घाट पे और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं नज़ारा। रिक्शा से उतरने के बाद हम चल पड़े हैं पैदल दशाश्वमेध घाट की तरफ। बहुत देर से दशाश्वमेध बोल बोल करके मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब दशाश्वमेध बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी यहाँ से 0.4 किलोमीटर मतलब 400 मीटर है और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है।
और उससे बड़ी प्रॉब्लम है गर्मी, 41 डिग्री है, 41 डिग्री। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये एग्जैजरेशन का कुछ करना पड़ेगा मुझे। कितना टाइम हो गया? व्हाट इज दिस टाइम? क्या लिखा है? 7:15 है, 7:15। आरती शुरू होने का टाइम हो गया। बस सात बज गए, हम लेट हो गए थे, तो मजबूरी में हमने बोट पे बैठने का डिसीजन लिया। 200 rupees पर पर्सन बोट पे बैठो और आरती देखो। तो वी डिसाइडेड कि ठीक है। हम आ गए नाव पे बैठ के आरती देखने के लिए। एक्चुअली में काफ़ी लाइट फील हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है। भगवान वाली स्मेल आ रही है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, दिल को सुकून। कैसा लगा रोशनी आपको? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? आरती कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग वापस जाने के लिए नीचे उतर रहे हैं और रास्ते में कुछ शॉपिंग वगैरह भी करेंगे और फिर हम जाएंगे वापस घर, आई मीन गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस क्या? होटल ही हुआ वो। गेस्ट हाउस। गंगा आरती संपन्न हो चुकी है, हम बोट से उतर के घाट पे आ चुके हैं और शॉपिंग करके घर जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर बनारस आ रहे हो और अगर तुमने गंगा आरती मिस कर दी तो अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेडीज लोग इतना चलाते हैं ना, इतनी शॉपिंग करते हैं ना इंसान। हम लोग ने अभी तक कुछ नहीं लिया और हम लोग को मना भी कर दिया। सोचो। तो अभी हम जा रहे हैं ठंडाई या लस्सी पीने के लिए। कोई पहलवान नाम से है दुकान, बड़ी फेमस। और डिनर हमने कर लिया है यहाँ पे, थाली का रेट आपको मिलेगा 70 से स्टार्ट है और महंगी तो जितनी भी ले लो तुम, है ना, अमीर लोगों के लिए। बाकी 70 से स्टार्ट है, बढ़िया थाली होती है, 70 में पेट भर जाता है। पेट भर गया तेरा? मेरा भी। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ठंडाई या फिर जो लस्सी है, जो भी हम पीने वाले दोनों में से, कैसी है, आपको देते हैं रिव्यू चल के। तो दोस्तों यहाँ की फेमस पहलवान लस्सी
पीने के लिए आ गए हैं हम। पहलवान लस्सी कैसी लगी? लस्सी गिव मी योर रिव्यू। रुको बता दी, रुको। सब नाटक है गाइस, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नाटक कर रहे दोनों। ये बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, जिसको लस्सी पीनी हो नॉर्मली पी लो, कुछ वो स्पेशल नहीं है, बस फेमस है।